वेंगुर्ला के उत्तर में लगभग 37 किलोमीटर दूर समुद्र में कुछ छोटे द्वीपों का समूह है। यह वेंगुर्ला रॉक्स के नाम से मशहूर है। यहाँ एक द्वीप में अंग्रेजों ने एक लाइट हाउस भी बनाया था। यह जगह टर्न पक्षी के कुछ प्रजातियों के प्रजनन के लिए सही स्थान है, जो कि समुद्र पक्षी होते हैं। इस द्वीप पर काफी मात्रा में इंडियन स्विफ्टलेट रहती हैं। टर्न पक्षियों का अध्ययन करने के लिए सह्याद्री निसर्ग मित्र के कुछ स्वयंसेवी इस द्वीप पर गए। गहरे और उफान वाले समुद्र के कारण इस द्वीप पर जाना बहुत जोखिम भरा था। इन खतरनाक परिस्थितियों के बीच स्वयंसेवी द्वीप पर पहुंच गए। लेकिन क्योंकि वह टर्न पक्षी के अंडे देने का मौसम नहीं था, इसलिए उनकी संख्या कम थी। पर स्वयंसेवियों ने वहां काफी संख्या में स्विफ्टलेट को उड़ते हुए देखा। उनके घोंसलों की कॉलोनी को ढूंढने पर उन्हें वह एक गुफा के बहुत अंदर एक कठिन जगह पर मिली। लेकिन उसके अलावा उन्हें एक बहुत धक्का देने वाला नजारा भी दिखा। जमीन से लेकर गुफा की छत तक बने बांस के मचान को देखकर वे हैरत में पड़ गए। स्वयंसेवियों को तुरंत बात समझ में आ गई। इंडियन स्विफ्टलेट एक दुर्लभ पक्षी है, जो अपना घोंसला अपनी लार से बनाती है, जो सूखकर ठोस हो जाता है। वह यह घोंसला बहुत ऊंचाई पर और अंधेरी जगह में एक दीवार पर बनाती है। यह घोंसला बहुत नाजुक और कटोरे के आकार का होता है। एक बार में वह एक या दो अंडे देती हैं। कुछ दक्षिणी एशियाई देशों में यह अंधविश्वास है कि इस घोंसले से बने सूप को पीने से यौन उत्तेजना बढ़ती है। महंगे महंगे होटलों में इस सूप की काफी मांग है, इसलिए ये घोंसले बहुत ज्यादा संख्या में भारत से चुराकर बाहर भेजे जाते हैं। यह गैर कानूनी व्यापार काफी सालों से छिपकर हो रहा था, क्योंकि तस्कर चिड़ियों के अंडे देने से पहले ही घोंसले चुरा रहे थे। इन घोंसलों को चुराने के लिए पक्की सीढ़ियां भी बना दी, इसलिए चिड़ियों की आबादी बहुत तेजी से कम हो गई। सह्याद्री निसर्ग मित्र के स्वयंसेवियों ने इस स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत वन विभाग और कोस्ट गार्ड की मदद लेकर इस गैर कानूनी व्यापार को बंद करा दिया। बांस के मचान को भी गिरा दिया गया। कुछ समय बाद गुफा में फिर से घोंसलों की संख्या बढ़ गई और इस बार उनमें अंडे भी थे। आज 10,000 से भी ज्यादा स्विफ्टलेट इस द्वीप पर बिना किसी डर के घोंसला बनाती है। सह्याद्री निसर्ग मित्र के तुरंत दखल देने के कारण यह चिड़िया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जीव है। आज भी स्वयंसेवी इस द्वीप पर समय समय पर निरीक्षण करते हैं, ताकि गैर कानूनी व्यापार फिर से शुरू ना हो जाए। इस अभियान में स्थानीय मछुआरों ने उनकी बहुत मदद की। सह्याद्री निसर्ग मित्र का यह काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है। इस सफलता से स्वयंसेवियों का उत्साह और आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है और इससे प्रकृति संरक्षण का संदेश फैलाने में भी मदद मिली है।